हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि कथन निष्कर्ष पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ कथन निष्कर्ष के। तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 20 टेस्ट 120 रुपये में, आरपीएफ एसआई के 20 टेस्ट 199 रुपये में है, ठीक है, 199 में है, और बाकी सभी 20 टेस्ट आपके 120 रुपये में है। तो ये बहुत ही मतलब सस्ते टेस्ट हैं, आप इन्हें लगा के अपनी प्रैक्टिस और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। डिस्काउंट लेने के लिए आप इस कोड का यूज करिएगा तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, और ये कथन यहाँ पे क्या बोला गया है देख लेते हैं। विशेष अधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विशेष अधिकार समिति की जो बैठक है वो कोरम के अभाव में नहीं हो पाई। देखिए, सबसे पहले आपको कोरम में बता देता हूँ, कोरम होता क्या है। बेसिकली किसी भी मीटिंग या फिर किसी भी बैठक, किसी भी समिति में कुछ मेंबर होते हैं, मान लीजिए 12 मेंबर हैं, और उस 12 में से एक कोरम होता है, यानी कि कम से कम 6 मेंबर तो होने ही चाहिए, अदरवाइज वो बैठक नहीं हो सकती है। तो ये जो मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है उसको कोरम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। तो निष्कर्ष क्या क्या है, किसी भी समिति की बैठक के लिए कोरम आवश्यक है। देखिए, कोरम वैसे तो आवश्यक होता है, बट कथन में हमारे आवश्यक है या नहीं है इस पे बात नहीं की गई, तो हम इसको राइट नहीं लगा सकते, इसको रोंग कर देंगे, ठीक है। दूसरा है, विशेष अधिकार समिति की अगली बैठक अब नहीं होगी। तो अगली होगी या नहीं होगी इस पे भी चर्चा नहीं की गई है, तो दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। भाई देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं कि पहले वाला राइट क्यों नहीं किया है। पहले वाला राइट इसलिए नहीं किया है कि यहाँ पे आवश्यक है, कोरम आवश्यक है या नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं की गई। यहाँ पे बताया गया है कि विशेष अधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी, अगर कोरम होता तो हो जाती, ठीक है। तो इस पे बात नहीं की गई है, आवश्यक है या नहीं है। तो आवश्यक वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है ये यहाँ पे गलत कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों गलत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए साथ साथ में मेरे इसको ट्राई भी करते रहिए, ठीक है, इससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। यहाँ पे पहला कथन दिया गया है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को बीच में रख लेना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। व्यक्ति को आपने बीच में रख लिया, एक गोला बना के, और यहाँ पे बोला है कुछ व्यक्ति तो अच्छे हैं, तो हल्का सा कट लगाया तो ये आपका वेन डायग्राम तैयार हो गया, अच्छे और व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन बोला गया है कुछ का, तो ये वाला जो पोर्शन है कुछ को शो करता है। फिर यहाँ पे बोला गया कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये बुद्धिमान और व्यक्ति के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है, कुछ के रिलेशन को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ का रिलेशन है, तो ये आपका वेन डायग्राम पूरा बन के तैयार हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या बोला गया। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, तो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बुद्धिमान और अच्छे के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। तो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी किसी के बीच में कथन में नहीं दिया होता है तो उसमें निष्कर्ष में भी हम उनके बीच में कोई रिलेशन बता नहीं सकते हैं। तो अच्छे और बुद्धिमान के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो आपका जो पहला ये निष्कर्ष है ये रोंग हो जाएगा। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिमान और अच्छे के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। नेक्स्ट आपका, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, तो कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है। तो अच्छे व्यक्ति और बुद्धिमान के बीच में फिर वही मतलब उल्टी करके बात बोल दी गई है। एक बार तो बोला कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, और एक बार बोला कि कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। तो ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो ये भी दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, तो ऐसे आपको देखने हैं कि कुछ जो व्यक्ति हैं वो बुद्धिमान भी हो और अच्छे भी हों, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं इनके बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दूसरे में भी यही बोला जा रहा है कि कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हो, तो कुछ अच्छे व्यक्ति, ठीक है, कुछ अच्छे व्यक्ति यानी कि ये वाले बुद्धिमान भी हों, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ
पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, कुछ पिन यानी कि एक पिन की एक गोला बनाया, कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है। ये आपका वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, इतना सभी कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो निष्कर्ष है ये इम्पोर्टेंट है इसके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ पिन पेन है, तो देखिए पिन और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। पिन और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया तो हम इसको क्या करेंगे, रोंग कर देंगे, ठीक है। फिर बट यहाँ पे एक चीज़ दूसरे जो ऑप्शन में बोला जा रहा है कि निष्कर्ष में कोई पिन पेन नहीं है। देखिए एक निष्कर्ष में बोला गया कि पेन पिन है और एक निष्कर्ष में बोला गया कि कोई पेन पिन नहीं है। तो इससे आप क्या पता लगाते हैं कि एक ही चीज़ को जिनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया था, दोनों के बीच में एक में है का रिलेशन बताया जा रहा है, एक में नहीं है का रिलेशन बताया जा रहा है। तो इससे आपका क्या पता चलता है कि ये या वाला क्वेश्चन बन गया, यानी कि या तो ऑप्शन पहला राइट होगा या फिर सेकेंड वाला राइट होगा। ये वाली कंडीशन आपकी तब होती है जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्वेश्चन में दिए गए उनके बीच में कथन में तो कुछ दिया नहीं गया बट निष्कर्ष में उनके बारे में ही बात की गई है। एक बार तो है वाली बात की गई है कि कुछ पिन पेन है और एक बार बात क्या की गई है, कोई पिन पेन नहीं है। तो ये वाली कंडीशन आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष आपका वन रहेगा या सेकेंड वाला अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो ट्राई करिए इसको जल्दी से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई जीत हार नहीं है, सभी हार विजय है। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया कि जीत वाला एक वेन डायग्राम बनाया और हार वाला एक अलग वेन डायग्राम बनाया, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई जीत हार नहीं है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या बोला जा रहा है भाई, फिर इसमें बोला जा रहा है हार विजय नहीं है, सभी हार विजय है, सॉरी सभी हार विजय है। तो सभी का हार विजय कब हो सकता है, जब हार वाले वेन डायग्राम को विजय वाला कवर कर लेगा। कोई जीत हार नहीं है, ये आपने शो कर दिया। फिर दूसरे में बोला जा रहा है कि सभी हार विजय है, तो ये भी आपने शो कर दिया। तो ये पूरा वेन डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे पढ़ के देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कोई विजय जीत नहीं है। देखिए विजय और जीत के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि कोई विजय जीत है और ना ही ये बोल सकते कि कोई विजय जीत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन शो नहीं हुआ है। तो पहले वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे वाला है कि कुछ विजय जीत है, तो कुछ विजय जीत भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विजय और सॉरी देखिए अब जो ऊपर मैं कंडीशन बता के हूँ फिर वही दोबारा बन गई, क्योंकि यहाँ पे विजय और जीत के बीच में रिलेशन तो नहीं बताया गया, बट एक बार तो यहाँ पे है का रिलेशन बता दिया गया कि कोई विजय जीत है और एक बार बता दिया कोई विजय जीत नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका वही कंडीशन बन गई है या वाली, ठीक है। या तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट होगा या सेकेंड अनुसरण करता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दो क्वेश्चन इसके लिए थे, क्योंकि ये वाला अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चों मतलब गलत करने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो कोई विजय जीत नहीं है और कोई विजय जीत है, तो इसमें आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने समझाना क्या चाहा है। यहाँ पे यही है कि एक बार तो इनके बीच में नहीं का रिलेशन है और एक बार है का रिलेशन है, और इनके बीच में एक्चुअल में कथन में कुछ बात नहीं की गई है भाई। जीत और विजय के बीच में कोई बात थोड़ी की गई है, कोई जीत हार नहीं है, जीत और हार के बीच में रिलेशन है, और हार और विजय के बीच में, जीत और विजय के बीच में थोड़ा ही है भाई, जीत और विजय के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पे निष्कर्ष में एक बार नहीं का रिलेशन बताया, एक बार है का, तो इस वाली कंडीशन में आपका ये या वाला क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि या तो वन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन, और या फिर सेकंड वाला। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है आपका, और इसमें कथन में बोला जा रहा है क्या भारत में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या भारत में रेल लाइनों के सभी लेवल क्रॉसिंग बंद किए जाने चाहिए और फ्लाई ओवर या सबवे जिनको बोलते हैं बनाए जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, जो फाटक होती है, आपने देखी है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि इनको बंद किया जाना चाहिए और इनके ऊपर को फ्लाईओवर बनाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा दिमाग में सोच सकते हैं कि बात क्या की जा रही है, ठीक है। तो जो क्योंकि इन चीज़ों पर ही डिपेंड होता है कथन और निष्कर्ष वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप ही निकालते हैं, जो तर्क यहाँ पे दिए जाते हैं, निष्कर्ष यहाँ पे दिए जाते हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि जो कथन में दिया गया था क्या उसी से रिलेट करता है, ये क्या उसी का ही आंसर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला तर्क है कि हाँ हाँ में आपको आंसर तो मिल गया, अब इसका लॉजिक देखते हैं कि ये सही है या गलत है। इसमें बोला जा रहा है इससे ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो जाएगी जिनके
परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग की मृत्यु होती है। तो ये बिल्कुल सही बात बोली गई है यहाँ पे कि इससे अगर फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं तो बहुत सारे आपने रेलवे क्रॉसिंग पे देखे होंगे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इससे दुर्घटनाएं तो कम हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला है, नहीं इतने सारे फ्लाईओवर सबवे के निर्माण के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि नहीं है। तो ये भी आपका बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे, देखिए हाँ और नहीं का दोनों ही आंसर है, हाँ में भी आंसर है और नहीं में भी आंसर है, और हाँ वाला जो आंसर है वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और नहीं वाला जो कंडीशन है जो आंसर है आपका इसको भी जो लॉजिक है वो भी सेटिस्फाई करता है। अब खुद बताइए कि पूरे देश में अगर सारे के सारे रेलवे क्रॉसिंग बंद करके फ्लाईओवर बना दिए जाए तो कितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, चूँकि एकदम से सरकार के पास पर्याप्त नहीं हो सकती है। तो ये लॉजिकली आप सोच सकते हैं ना दिमाग से कि ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। बट इसमें हाँ का जो रिलेशन है, जो आपका कंक्लूजन है, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो मृत्यु में कमी आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो आपका ये पहले वाला भी राइट होगा, दूसरे वाला भी राइट होगा, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये है मैं है तब भी राइट कर दिया और नहीं मैं तब भी राइट कर दिया। तो लॉजिक देखिए ना, दोनों के लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए साथ साथ में आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, इससे आपकी भी थोड़ा लेवल बढ़ेगा और आपको भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ क्वेश्चन सही हो गया है, और कई बार गलत होता है तो उसका आपको लॉजिक भी पता चलता है कि क्यों गलत हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही साइड से ये अच्छा है कि आप खुद ट्राई करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 6 है, ठीक है, तो इसको ट्राई करिए जल्दी से और इसका राइट आंसर क्या रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये काम आप वीडियो को रोक करके किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कथन में, कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है, कथन जो है हमारा एक सजेशन है कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुँचने के लिए अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो हवाई जहाज से जाओ। ठीक है, पूर्व धारणाएं क्या क्या है यहाँ पे आप देखिए, कोलकाता और दिल्ली के जो वायुमार्ग से जुड़ा है, भाई आपको कोई सजेशन दे रहा है तो उसको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले वाला पॉइंट आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, राइट है, कोलकाता और दिल्ली वायुयान से जुड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे ये आपको सजेशन दिया जा रहा है कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुँचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, सीधी सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपका पॉइंट है कि कोलकाता से दिल्ली पहुँचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, तो भाई ऐसा तो यहाँ पे कथन में कहीं नहीं बोला गया कि दूसरा साधन नहीं है, यहाँ पे एक सजेशन दिया गया कि जल्दी पहुँचना है तो वायुयान से जाइए या हवाई जहाज से जाइए, और यहाँ पे ये तो नहीं बोला गया कि दूसरा साधन नहीं है, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया जल्दी पहुँचने का, ना कि यहाँ पे ये बताया गया कि दिल्ली से और कोलकाता और दिल्ली के बीच में कोई दूसरा साधन नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन क्या दिया गया है, किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसका जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होगा, तो ये आपका कथन हो गया। ठीक है, तो पूर्व धारणा देखते क्या है, शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है, तो बिल्कुल सही बात की गई है यहाँ पे, जो शिक्षा का प्रभाव है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है। ठीक है, तो उसका देखिए जो भी आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, उसका रहन सहन, उसका जो बात करने का तरीका, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षित व्यक्ति का जो जीवन और जो व्यक्ति जीवन होगा उसका, उसमें जीवन मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, ओबियसली बात है, सीधा सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला यहाँ पे बोला जा रहा है, एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, तो ये आपका रोंग क्यों हो जाएगा, रोंग है ओबियसली, रोंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कथन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि अशिक्षित व्यक्ति का जीवन का कोई भी मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य में डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया गया था, बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि अशिक्षित व्यक्ति का कोई
मूल्य ही नहीं होता है, तो ये आपका रोंग हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आईक्यू लेवल जो चेक करने की कोशिश की जाती है कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चंस देके आपके एग्जाम में, कि आप कितना सोच सकते हैं। कई बच्चे इसको राइट कर सकते हैं और कई बच्चे इसको रोंग कर सकते हैं, तो यही डिफ्रेंशिएट वो ढूंढते हैं कि बच्चे में मतलब कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो सही कर पाता है, कितनी वो कहाँ तक वो सोच सकता है। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अशिक्षित व्यक्ति का कोई जीवन मूल्य नहीं होगा, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, पहले वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरी एंड तक वॉच की होगी, और इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी PDF है, उनको डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई थी वो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपकी RPF के लिए है, वीडियो के लिए है, और बाकी आपका ग्रुप डी के लिए है, मतलब सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी हो सकते हैं, अभी एग्जाम आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो सभी के आ जाएंगे, यूपी पुलिस की भी मैं सोच रहा हूँ लॉन्च कर दूँ, तो आप बताइएगा मुझे अगर यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो आपने लाइक शेयर तो कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।